दोस्तों मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ऑलवेज रिमेम्बर। आज हम बात करेंगे वर्क रेस्ट आवर के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि जहाज में कितना काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता, वाट लगती है क्या। तो जूनियर रैंक से स्टार्ट करेंगे। कैडेट का डिटेल में रूटीन मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी योर क्वेश्चंस इन मर्चेंट नेवी वाले वीडियो में कवर किया था। तो एनीवेज, कैडेट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 आवर्स काम करता है, बी इट डेक कैडेट और इंजन कैडेट। डेक कैडेट और इंजन कैडेट में ये फ़र्क है कि डेक कैडेट वॉचेस भी रखता है, तो मॉर्निंग में 4 to 8 वॉचेस, देन डेक वर्क एंड देन समटाइम्स 1-2 घंटे इवनिंग में वॉचेस। जूनियर इंजीनियर मोस्टली डे वर्क में रहता है। ट्रेनी ओएस नॉर्मली 6:30 मॉर्निंग में उठता है, सम क्लीनिंग करता है, फिर 8 o'clock बोसन के साथ डेक वर्क कंटिन्यू करता है इवनिंग 5 o'clock तक। बेसिकली एबीज हो, ट्रेनी ओएस हो, ओएस हो या बोसन हो, ये लोग 10 आवर्स काम करते हैं, जिसमें से कि 8 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं और 2 घंटे इसमें से ओवर टाइम होते हैं। और यहाँ पे मेरे को ये बताना ज़रूरी है कि एज़ पर MLC कोई भी ब्रेक जो 1 घंटे का है या 1 घंटे से कम है, उसे वर्किंग आवर्स में काउंट किया जाता है। तो अगर बोसन 8 to 5 काम कर रहा है तो 8 to 12 काम करेगा, 12 to 1 लंच टाइम होगा, एंड देन अगेन 1 to 5। तो बेसिकली उसने 4 घंटे लंच के पहले काम किए और 4 घंटे लंच के बाद, बट लंच का टाइम सिर्फ 1 घंटे का था, 12 से 1, तो वो भी वो ब्रेक है, वो रेस्ट नहीं है। तो बेसिकली वो बोसन ने काम किया 9 आवर्स। सो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। इंजन क्रू में मोटरमैन है, फिटर है, ये लोग भी नॉर्मली डे टू डे वर्क पे रहते हैं, 8 to 5, 8 to 9 आवर्स ये लोग भी काम करते हैं। एंड कभी कभी वर्क रेस्ट आवर शिप में कंप्लाई नहीं हो पाते ड्यू टू हेक्टिक रन, सम इंस्पेक्शंस, वेटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आपको कॉम्पेंसेटरी रेस्ट दिया जाता है। कॉम्पेंसेटरी रेस्ट ऐसा होता है कि कभी आपने एक्स्ट्रा काम किया तो अगले दिन आपको 2-3 घंटे लेट बुलाया जाता है या फिर अगले दिन छुट्टी कर दी जाती है। सारी अच्छी कंपनी रेस्ट का पूरा ख्याल रखती है, स्पेशली चीफ ऑफिसर एंड फर्स्ट इंजीनियर, ये दोनों डायरेक्टली इंचार्ज हैं ऑफ डेक क्रू एंड इंजन क्रू, तो ये दोनों इंश्योर करते हैं कि उनके क्रू प्रॉपरली रेस्टेड है। और ये लोग ही प्राइमरीली प्लानिंग करते हैं कि किसको कब बुलाना है, किसको कब रेस्ट देना है, सारे रिलेटेड टू वर्क। आपके मेंटालिटी ये नहीं होनी चाहिए कि डेक साइड इंजन साइड पूरा शिप अपना है यार, काम अपना है, सबको मिलजुल के कर लेना चाहिए। जहाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा 16 घंटे सो रहा है और दूसरा बंदा 16 घंटे काम कर रहा है। जैसे मास्टर और चीफ इंजीनियर है, इन लोग ये दोनों तो बॉस है अपने डिपार्टमेंट्स के, तो इनका कोई वर्किंग आवर नहीं है, कभी 2 घंटे भी काम होता है, कभी 4 घंटे भी काम होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर। काफ़ी फुर्सत रहती है, अगर एक अच्छा चीफ इंजीनियर हो और एक मास्टर हो तो काफ़ी तरीके से वो अपने ऑफिसर्स की हेल्प कर सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर मेरे ऑफिसर्स रेस्टेड है, मेरा क्रू रेस्टेड है, तो वो ज़्यादा सेफ तरीके से काम करेंगे और उसका फ़ायदा मुझे ही मिलेगा। थर्ड ऑफिसर भी 8 to 10 आवर्स काम करता है, 10 आवर्स नॉर्मली काम करता है, जैसे 8 आवर्स तो उसकी स्ट्रेट वॉच हो गई इवनिंग की, 8 to 12, 2000 to 2400, देन मॉर्निंग 8 to 12, तो 8 घंटे ये हो गया। 8 to 12 करने के बाद 1300 to 1500 वो डेक वर्क करता है, जिसमें वो LSA FFA का मेंटेनेंस करता है, ड्रिल रिकॉर्ड्स बनाता है, पोर्ट पेपर्स के काम करता है और कैप्टन को छोटी मोटी पेपर वर्क में हेल्प करता है। सिमिलरली सेकेंड ऑफिसर 12 to 4 की वॉच करता है, रात की एंड आफ्टरनून की, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टरनून में कई बार वो 5:30-6 बजे तक ब्रिज पे रहता है, अपने करेक्शंस एंड एक्स्ट्रा वर्क जो भी रहता है उसके पास वो करता है। सो सेकंड ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर आपका 4 to 8 वॉच करता है, इसमें कैडेट भी चीफ ऑफिसर के साथ रहता है, एंड चीफ ऑफिसर शाम की भी 4 to 8 वॉच करता है, और 4 to 8 मॉर्निंग वॉच करने के बाद वो 8:30-9 o'clock तक ब्रेकफास्ट और फ्रेश होकर डेक में आता है, एंड देन 12 बजे तक रहता है। तो चीफ ऑफिसर का स्ट्रेट 12 बजे 12 घंटे हो जाते हैं। ऑफिसर को काम रहता है 12 बजे तक, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे बता दिया करो, एंड शाम को इफ़ यू वांट टू टेक लिटिल एक्स्ट्रा रेस्ट नो प्रॉब्लम, मैं 4 बजे ब्रिज पे चला जाता हूँ उसकी वॉच करने के लिए। और कैडेट तो रहता ही है ओपन सी में, कोई टेंशन नहीं है। इंजन साइड में चीफ इंजीनियर का तो मैं बता चुका हूँ, सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, नॉर्मली डेक ये सब डे वर्क में रहते हैं। UMS ships होते हैं, अनमैन मशीनरी स्पेसेस, तो रात को कोई वॉचेस नहीं करते हैं, लेकिन राउंड्स लेने होते हैं और ड्यूटी इंजीनियर होता है। अगर रात में कोई वॉच आती है तो हर दिन एक पर्टिकुलर इंजीनियर अपॉइंटेड होता है। दोस्तों डेक क्रू, इंजन क्रू एंड
डेक ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स ये पोर्ट में सिक्स ऑन सिक्स ऑफ करते हैं, बेसिकली सिक्स आवर्स काम और सिक्स आवर्स रेस्ट, ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है क्योंकि राउंड द क्लॉक इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एंड क्रू की ज़रूरत पड़ती है पोर्ट में बिकॉज ऑफ कार्गो ऑपरेशंस। लेकिन अगर शिप बहुत हेक्टिक रन पे है तो कुछ कंपनीज आपको एक्स्ट्रा ऑफिसर और एक्स्ट्रा क्रू दे देती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर पोर्ट में भी 4 आवर्स काम एंड 8 आवर्स आराम वाला रूटीन चलता है। गैली डिपार्टमेंट, गैली डिपार्टमेंट सुबह 6:30 बजे गैली में आता है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, अबाउट 7:30 to 8:30 ब्रेकफास्ट टाइम, एंड फिर ये लोग गैली में ही रहते हैं अबाउट 1-1:30 बजे तक। लंच के बाद यूटेंसिल्स क्लीनिंग एंड ऑल दैट जो मेसमेंट का काम होता है वो सब करने के बाद आफ्टरनून में वो अबाउट 1 to 3, 1 to 3:30 तक रेस्ट लेते हैं, और फिर आके डिनर बनाते हैं। डिनर टाइम 5:30 to 6:30 और समटाइम 6 o'clock to 7 o'clock होता है। तो गैली डिपार्टमेंट के वर्किंग आवर्स काफ़ी होते हैं, एंड मुझे लगता है शिप में सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स मेसमैन और चीफ ऑफिसर के होते हैं, तो इनके रेस्ट का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। दोस्तों शिप में वर्क रेस्ट आवर का लॉग रखा जाता है, ये लॉग ज़्यादातर कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक है, एंड आइडियली ईच इंडिविजुअल सबको अपना अपना वर्क रेस्ट आवर का लॉग खुद ही भरना चाहिए, एंड किसी ऑफिसर को उसमें चेंजेस करना अलाउ नहीं होता है। मगर प्रैक्टिकली कुछ शिप में ऐसा ये प्रैक्टिस नहीं होती है, एंड कैडेट्स एंड जूनियर ही सारे लोगों का वर्क रेस्ट आवर भरते हैं, जो कि एकदम ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको मिनिमम रेस्ट आवर्स, कम से कम कितने रेस्ट आपको मिलना चाहिए, इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मिनिमम 10 आवर्स इन एनी 24 आवर्स का मतलब ये है कि कम से कम आपको 10 घंटे का रेस्ट हर 24 घंटे में मिलना चाहिए। मिनिमम 77 आवर इन एनी 7 डे, इसका मतलब ये है कि कम से कम 77 आवर्स 7 दिन में आपको मिलने चाहिए। 2 पीरियड्स, 1 minimum 6 hours, आपका जो ये 10 घंटे का रेस्ट है ये 2 पीरियड्स में डिवाइड हो सकता है, लेकिन उसमें से कम 6 घंटे का होना चाहिए। इंटरवल बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव पीरियड ऑफ रेस्ट नॉट मोर देन 14 आवर्स, एक के बाद एक 2 रेस्ट के बीच में आपको 14 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 7 डेज एक्सेप्शन मनीला, 7 डेज एक्सेप्शन अगर एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, शिप में कोई इमरजेंसी हुई है या कोई ऐसा चीज़ हुआ है कि जिसमें वर्क रेस्ट आवर कंप्लाई नहीं कर सकते तो ये अलाउड है, लेकिन इसके तहत आपको 77 आवर्स की जगह 70 आवर्स रेस्ट 7 दिन में देना ज़रूरी है। एंड नॉट अलाउड मोर देन 2 consecutive weeks, अगर एक वीक में आपने इसको वायलेट किया है तो आप उसके अगले वीक में वापस से 70 घंटे का रेस्ट नहीं दे सकते। इंटरवल बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ एक्सेप्शन मस्ट नॉट बी लेस देन ट्वाइस ड्यूरेशन ऑफ एक्सेप्शन। 24 आवर एक्सेप्शन डेली, रेस्ट इन 24 आवर पीरियड में बी स्प्लिट इनटू 3 पीरियड्स, नॉर्मली 2 पीरियड में होता है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो इस एक्सेप्शन को 3 पीरियड्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड मिनिमम 10 आवर्स इन एनी 24 आवर्स आर मेट। 3 पीरियड ऑफ रेस्ट हो सकते हैं, लेकिन तीनों मिला के 10 घंटे कम से कम होने चाहिए, जिसमें से कि एक पीरियड 6 घंटे का होगा और बाकी के 2 पीरियड 1 घंटे से कम के नहीं होने चाहिए। पीरियड में अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कृपया नीचे कमेंट्स में लिखिए, अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन को दबा देना। बॉन वॉयज, हैप्पी सेलिंग एंड जय हिंद दोस्तों।